हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी पीसी लाइट के बेस्ट ग्राफिक सेटिंग के बारे में। तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि इसकी बेस्ट ग्राफिक सेटिंग क्या है, तो आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। एंड मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट ऐसे ग्राफिक सेटिंग क्या है जिसमें आप जो है एनिमी इजिली स्पॉट कर सकते हो और आपके सिस्टम पे वो ग्राफिक किस तरीके से चलने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्राफिक सेटिंग को। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये आपकी अल्ट्रा सेटिंग है। मैंने यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग सेट कर रखा हुआ है, तो सब कुछ यहाँ पे जो भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है ये अल्ट्रा में है। एंड अल्ट्रा और लो का भी मैं आपको यहाँ पे कंपेरिजन दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं साइड बाय साइड की लो ग्राफिक सेटिंग किस तरीके से काम कर रही है और अल्ट्रा ग्राफिक सेटिंग किस तरीके से काम कर रही है इसके अंदर। तो दोस्तों, अब यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मली यहाँ पे ग्राफिक्स मैं हाई पे सेट कर देता हूँ अभी के लिए, और अब मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्प्ले मोड है वो आपका फुल स्क्रीन रहना चाहिए, वो तो सबको पता ही है। उसके बाद जो रेजोल्यूशन है, मैं यहाँ पे 1080p में रखा हुआ है क्योंकि मेरा ग्राफिक कार्ड आराम से सपोर्ट कर सकता है। तो ज़्यादा हाई डिमांडिंग गेम नहीं है, तो आप इसको 1080p में सेट करके रख सकते हो आपके पास जो भी ग्राफिक कार्ड है, एंड उसी पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर आपका ग्राफिक कार्ड जो है हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो आप इसके रेजोल्यूशन को कम कर सकते हो। तो यहाँ पे 1080p और 720p का ग्राफिक कंपैरिजन भी जो है आप देख सकते हो कि 720p में आपको ये कैसा देखने को मिलेगा और 1080p में आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 1080p रखें, लेकिन अगर आपका ग्राफिक कार्ड उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, उतने FPS आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसको 720p पे रखें। ग्राफिक क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, बट आपको FPS जो है बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट सेटिंग आ रही है वो आ रही है मैक्स FPS की। तो मैक्स FPS जो है, मैं कहूँगा कि आप इसको 300 करके रखें, आप इसको कैप करके ना रखें 60 पे या 100 पे या 120 पे। तो इसको आप मैक्स करके रखें, क्योंकि ये जो है आपके ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट से जो है आपको मैक्स टू मैक्स FPS निकाल करके देगा। वैसे आपका जो है डिस्प्ले वो आपको 60 FPS के ऊपर के बारे में आपको पता नहीं चलने वाला आपके डिस्प्ले के हिसाब से, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको 300 मैक्स करके रखें, ताकि आपको इन गेम ऐसी कुछ सिचुएशन होती है जहाँ पर FPS जो है ड्रेस्टिकली ड्रॉप होता है, तो वैसी चीज़ जो है वहाँ पर फेस करने को ना मिले। तो आप इसको यहाँ पर 300 करके रखें। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट जो सेटिंग आ रही है एडवांस सेटिंग में, वो आ रही है डायनेमिक रेजोल्यूशन। तो डायनेमिक रेजोल्यूशन क्या करता है कि डायनेमिक रेजोल्यूशन अगर आपका इनेबल है, तो अगर इनकेस अगर आप लैपटॉप पे गेम खेल रहे हो, तो बैटरी जब तक पावर कनेक्टेड रहता है तब तक आपको अच्छी FPS मिलती है, लेकिन जैसे ही पावर चला जाता है तो FPS वहाँ पे घटने लगती है। तो डायनेमिक रेजोल्यूशन क्या करता है, आपने इसका अगर FPS टारगेट 60 सेट करके रखा है, तो आपका रेजोल्यूशन जो है वो अपने आप कम होने लग जाएगा। जैसे कि 1080p जो रेजोल्यूशन सेट किया हुआ है वो अपने आप कम हो जाएगा आपको 60 FPS प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सिस्टम को बैलेंस करेगा आपके रेजोल्यूशन से और FPS से, बैलेंस करके आपको इतना FPS जो है आपको निकाल करके देगा आपके सेटिंग में से आपका रेजोल्यूशन को घटा करके। तो डायनेमिक रेजोल्यूशन का ये काम है, ठीक है। अब इसमें ये सीन है कि आप इसमें 30 FPS भी सेट कर सकते हो, 60 FPS भी सेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो डायनेमिक रेजोल्यूशन ये काम करता है, और मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि इसको आप इनेबल करके रखें और मैक्स FPS जो है आप इसको 60 पे सेट करके रखें, ताकि आपको किसी भी कंडीशन में आपको 60 FPS ये सिस्टम प्रोवाइड करके दे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग है वो है FPP कैमरा FOV। तो FPP कैमरा FOV उनके लिए है जो FPP मोड में खेलते हैं। तो FPP में बाय डिफॉल्ट जो है 90 का आता है। तो आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख सकते हैं कि कितना फील्ड ऑफ व्यू आपको 103 में देखने को मिल रहा है, और बाय डिफॉल्ट जो 90 आता है उस पे। तो मेरे रिकमेंडेशन ये है कि आप FPP का जो कैमरा व्यू है आप उसको आप डिफॉल्ट ही रहने दें, उसके साथ छेड़खानी ना करें। 90 मेरे ख्याल से बेस्ट रहता है, और 103 इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता, उसमें आपको फील्ड ऑफ व्यू तो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, आपको साइड के एनिमीज वगैरह स्पॉट करने में ईजी पड़ेगा और पता भी चल जाएगा कोई है या नहीं। बट उससे होता यह है कि इनकेस अगर आपकी फाइट वगैरह होती है, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो होती पास में है, लेकिन वो ऐसा लगता है डिस्टेंस की वजह से या उस फील्ड ऑफ व्यू की वजह से कि वो थोड़ी सी दूर है, तो वहाँ पे आपका जो है मिसकैलकुलेशन हो जाता है शूटिंग के वक्त। तो वो चीज़ मेरे साथ होती है, एंड इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट इसको रहने दें, एंड काफ़ी लोग इसको बाय डिफॉल्ट पे ही खेलते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो ओवरऑल क्वालिटी होती है, यहाँ पे आप इसको एकदम लो सेट कर सकते हो या फिर एकदम हाई सेट कर सकते हो। तो ओवरऑल क्वालिटी अभी के लिए फिलहाल मैं इसको हाई पे सेट कर देता हूँ, एंड बाकी की सेटिंग्स आपको मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट सेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग जो आती है वो होती है एंटीअलाइजिंग। एंटीअलाइजिंग क्या करता है, ये आप राइट हैंड साइड जो है पिक्चर में आप देख सकते हो कि किस तरीके से सेटिंग में लो कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से इमेजेस बदल रही हैं, और वो मुझे बता रही है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे आप एंटीअलाइजिंग में अल्ट्रा देख सकते हो और लो भी देख सकते हो साइड बाय साइड की क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो शार्पनेस होती है किसी भी टेक्सचर्स के या किसी भी ऑब्जेक्ट के एजेस पे, तो उसको जो है ये स्मूथ आउट कर देता है। तो अगर आपका अल्ट्रा सेट करते हो, तो वो एजेस जो है लाइंस आती है वहाँ पे पिक्सेलेटेड थोड़ी सी लाइंस आती हैं, तो वो लाइंस को जो है स्मूथ आउट कर देता है। लो अगर आप सेट करते हो, तो यहाँ पे पिक्सेलेटेड आपको लाइंस देखने को मिल जाती हैं। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आप जो है इसको, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको अल्ट्रा पे सेट करके रखो। अगर आपका ग्राफिक कार्ड लो एंड है, तो आप इसको लो सेट कर सकते हो या वेरी लो सेट कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग आती है पोस्ट प्रोसेसिंग की। तो पोस्ट प्रोसेसिंग करता क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप इसको अल्ट्रा करते हो तो किस तरीके का आपको इंटीरियर लुक यहाँ पे देखने को मिल रहेगा, और अगर आप इसको लो करते हो तो किस तरीके का आपको इंटीरियर लुक देखने को मिलेगा। तो पोस्ट प्रोसेसिंग को भी जो है मैं हमेशा से अल्ट्रा करके रखता हूँ क्योंकि मेरा ग्राफिक कार्ड हैंडल कर सकता है। इससे होता है कि आपका जो एक्स्ट्रा लाइट होती है वो एक्स्ट्रा लाइट आपको इंटीरियर में देखने को मिलती है, जिससे कि डार्क एरिया जो होते हैं वो थोड़े से लाइटन हो जाते हैं, जिससे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग में अल्ट्रा और लो में आप दोनों कंपैरिजन करके देख सकते हो कि किस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो शेडोज एरिया जो होते हैं वो थोड़े से डार्क हो जाते हैं अगर आप पोस्ट प्रोसेसिंग को लो करके रखते हो, डार्कर एरिया और ज़्यादा डार्क हो जाता है, और अगर आप अल्ट्रा करते हो तो जो डार्कर एरिया होता है वो थोड़ा लाइटिंग आ जाती है उसमें। तो एनिमी जो होते हैं डार्क एरिया में छुपने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ अगर आपका अल्ट्रा रहेगा तो आपको एनिमी जो है वहाँ पे इजीली विजिबल हो जाएगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है पोस्ट प्रोसेसिंग को अल्ट्रा करके रखो अगर आपका ग्राफिक कार्ड हैंडल करता है तो। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग आती है वो आती है शेडोज की। तो दोस्तों यहाँ पे शेडोज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी गेम के लिए, एंड तो इस केस में शेडोज अगर आप लो करके रखते हो तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एनिमी स्पॉट करने के लिए, लेकिन अगर आप उसको लो भी करते हो तो उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि आपका गेम अनरियलिस्टिक बन जाता है वहीं पे। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हो अल्ट्रा शेडो के क्वालिटी में। तो ये है आपका अल्ट्रा शेडो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेडो किस तरीके से काम कर रहा है, और अगर इसके क्वालिटी को हम कम कर दें या फिर लो कर दें शेडो को तो ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल ही डार्क एरिया जो है वो गायब हो गया है। यहाँ पे आप दोनों साइड बाय साइड देख रहे हो कि अल्ट्रा में कैसा है और लो में कैसा है। तो डार्क एरिया में जो एनिमी छुपा होगा वो आपको इजीली स्पॉट हो जाएगा, उसको लगेगा कि अगर उसके में शेडोज ऑन है कि उसको लगेगा कि मैं डार्क एरिया में छुपा हूं, लेकिन अगर आपका शेडो ऑफ है तो आप उसको इजीली स्पॉट कर सकते हो क्योंकि आपने शेडो इनेबल किया ही नहीं हुआ है। तो शेडोज का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है इस गेम के अंदर। तो अगर आप स्पॉट करना चाहते हो एनिमी को तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि शेडोज को वेरी लो करके रखो। हाँ, गेम थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाएगा, मे बी आप कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आप एनिमी स्पॉट करना चाहते हो डार्क एरिया में तो शेडोज को ऑफ करना जरूरी है। लेकिन अगर आप बेस्ट क्वालिटी के साथ गेम खेलना चाहते तो आप इसको अल्ट्रा पे सेट कर सकते हो, प्लस ये आपके जीपीयू यूनिट पे उतना इफेक्ट नहीं करेगा मेरे ख्याल से, तो आप इसको अल्ट्रा पे सेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। नहीं तो आप इसको वेरी लो पे सेट करो, नॉर्मल है, लो पे आपको शेडोज मिल जाएंगी, शॉर्ट शेडोज मिल जाएंगी, और ये आपको एक बैलेंस परफॉर्मेंस देगा जिसमें आप डार्क एरिया में एनिमी को भी स्पॉट कर सकते हो और आपको गेम भी ज्यादा अनरियलिस्टिक नहीं लगेगा। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे टेक्सचर्स। तो टेक्सचर्स क्या होते हैं? टेक्सचर्स बेसिकली जो आपका कैरेक्टर हो गया या फिर ये मॉडल्स वगैरह हो गए या फिर कोई भी चीज यहाँ पे जो जिसके ऊपर भी टेक्सचर्स लगे हुए हैं उसकी क्वालिटी पे रहता है। तो टेक्सचर्स की क्वालिटी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त टेक्सचर्स क्वालिटी आप अल्ट्रा और लो का कंपैरिजन देख रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्सचर्स का आप देख सकते हैं कि टेक्सचर्स अगर हाई है तो फायर के ऑब्जेक्ट का टेक्सचर किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, क्लोज ऑब्जेक्ट का टेक्सचर किस तरीके को देखने को मिल रहा है, और अल्ट्रा में आप देख सकते हैं कि टेक्सचर्स फार के कैसे देखने को मिल रहे हैं और पास के कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो ये टेक्सचर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड टेक्सचर्स को जो है मैं हमेशा अल्ट्रा करके रखता हूं क्योंकि टेक्सचर्स जो है वो मेन चीज है इस पूरे गेम की जान है। अगर वो लो रहेंगे तो गेम की क्वालिटी काफी ज्यादा चीप लगेगी। तो इसीलिए टेक्सचर्स को जो है आप हमेशा सेट करके रखो अल्ट्रा पे। अगर आपका ग्राफिक कार्ड हैंडल कर पा रहा है तो इसको आप अल्ट्रा पे सेट करके रखो, अदरवाइज अगर आपको मैक्स एफपीएस चाहिए, अल्ट्रा स्मूथ गेम प्ले चाहिए तो आप इसको लो करके सेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है इफेक्ट्स का। तो इफेक्ट्स बेसिकली होता है जब आपका कोई गाड़ी ब्लास्ट हो रहा है या गन शॉट के जो स्पार्क्स होते हैं वो सारे इफेक्ट्स में यहाँ पे काम करता है। तो उसके इफेक्ट्स किस तरीके के निकल के आते हैं तो वो सारी चीजें हमें बताता है, और यहाँ पे भी सेटिंग के ऑप्शन में आप देख सकते हो कि ये एक हमें डेमो देता है साइड में जो पिक्चर क्वालिटी, यहाँ से आप देख सकते हो कि इफेक्ट किस तरीके से आपके वाटर कलर को इफेक्ट कर रहा है। तो ये सारा कुछ इफेक्ट में होता है, इस तरीके से हमें सेटिंग बताता है। बट गेम के अंदर जो है इसका इफेक्ट थोड़े अलग वे से काम करता है, वो ऐसे क्योंकि अगर आप इसका अल्ट्रा और लो कंपैरिजन देखें ऑन स्क्रीन तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्ट्रा वाले में जो टेक्सचर्स की क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी आ रही है और लो वाले में सब कुछ स्मूथ आउट हो जा रहा है। बट ये इफेक्ट का ऑप्शन आपके टेक्सचर्स क्वालिटी, डिटेलिंग और शार्पनेस पे भी इफेक्ट कर रहा है। इफेक्ट का ऑप्शन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको जितना ज्यादा रखो उतना ज्यादा बेटर है, ताकि आपको फायर के ऑब्जेक्ट्स जो है टेक्सचर्स की क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिले, डिटेलिंग अच्छी मिले। एक चीज मैंने यहाँ पे और नोटिस करी कि अगर आप इफेक्ट क्वालिटी को अगर आप मीडियम से ऊपर लेकर जाते हो, लाइक आप मीडियम और अल्ट्रा का यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मीडियम का है, उसके बाद राइट हैंड साइड जो है अल्ट्रा का है, तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अल्ट्रा पे सेट करना जरूरी नहीं है बिकॉज अल्ट्रा और मीडियम में जो है ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इफेक्ट क्वालिटी को आप मीडियम पे सेट करके रखो, ताकि आपको जो है टेक्सचर्स क्वालिटी अच्छी मिले, डिटेलिंग अच्छी मिले। यहाँ पे फॉलेज का जो है उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आप इसको अल्ट्रा रखो या फिर लो रखो, बात बराबर ही है, क्योंकि अल्ट्रा और लो में कोई डिफरेंस मेरे को यहाँ पे देखने को मिला है। इमेजेस में जरूर हमें देखने को मिलता है कि हाँ साइड से कुछ डिस्टेंस की चीजें जो है गायब हो रही है एंड देन अपेयर हो रही है, बट ऐसा कुछ गेम में नहीं है।
तो आप इसको लो करके रखो। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो आती है व्यू डिस्टेंस, एंड व्यू डिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे आप व्यू डिस्टेंस देख सकते हो कि व्यू डिस्टेंस किस तरीके से काम करता है लो सेटिंग में और अल्ट्रा सेटिंग में। तो ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस तो नहीं हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो व्यू डिस्टेंस को आप जो है अल्ट्रा करना चाहे तो अल्ट्रा कर सकते हो। आपका अल्ट्रा जो है वो ज़्यादा चीज़ों को इतना डिफाइन नहीं कर पाता डिस्टेंस वाली चीज़ों को, बट एटलीस्ट कुछ हद तक इम्प्रूव जरूर करता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको अल्ट्रा करके ही रखो, क्योंकि आपको मैक्स आउटपुट लेना है विजिबिलिटी का। अदरवाइज आप इसको लो पे भी सेट करोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ये आपके ऊपर है पूरा का पूरा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेटिंग आ जाती है लाइट। लाइटनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायरेक्शनल लाइटनिंग जो पड़ती है, जैसे कि सन उधर है तो आप देख सकते हैं कि शेडोज किस तरफ बनेंगे। तो शेडोज क्योंकि मैंने अब यहाँ पे ऑफ कर रखे हैं उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप लाइटनिंग ऑफ करते हो, लाइक यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं कि लाइट ऑफ करने के बाद किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है गेम प्ले। और यहाँ पे पूरा का पूरा ही सब कुछ जितना भी डायरेक्शनल लाइटनिंग है सब उड़ गया है, आपका शेडोज वेडोज सब बेकार हो गया। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि लाइटनिंग को जो है आप हमेशा इनेबल करके ही रखो, ताकि सब कुछ जो है थोड़ा इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा लगे देखने में और आपको भी गेम खेलने में मज़ा आए। क्योंकि अगर वो डिसेबल हो जाएगा तब तो पूरा का पूरा रद्दी पोटैटो पबजी बन जाएगा पूरा का पूरा। सो लाइटनिंग को इनेबल करके रखो यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हो, ये है ओवरऑल सेटिंग, एंटी अलाइजिंग अल्ट्रा, पोस्ट प्रोसेसिंग अल्ट्रा, शेडोज वेरी लो, क्योंकि डार्क एरिया में जो बंदे हैं उनको स्पॉट करना है इसीलिए वेरी लो। अदरवाइज आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप लो पे सेट कर सकते हो या अल्ट्रा पे सेट कर सकते हो आप पे। टेक्सचर्स मेरे को हाई क्वालिटी का चाहिए तो अल्ट्रा, इफेक्ट्स का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फॉलीएज का भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा अभी गेम पे। और व्यू डिस्टेंस अल्ट्रा चाहिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप अगर आप इसको अल्ट्रा करना चाहो तो कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ग्राफिक कार्ड हैंडल कर लेगा इस चीज़ को, बट उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप लोगों ने देखा ही है। लाइटनिंग को इनेबल करके रखो, लाइटनिंग इनेबल रहेगी तो सब कुछ एनवायरनमेंट में जो है थोड़ी सी जान रहेगी। तो दोस्तों ये थी ग्राफिक सेटिंग, आप लोग अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, आप लोग अपने ग्राफिक कार्ड के हिसाब से सेट कर सकते हो। तो दैट्स इट गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आप दोस्तों के साथ। एंड जो लोग गलत सेटिंग करके बैठे हुए हैं, जिनका लो एंड पीसी है एंड उन्होंने हाई सेटिंग कर रखी है, तो उनको बोलो कि कस्टम में सेटिंग करे थोड़ा सा, एंड ये वीडियो वॉच करने के लिए बोले, ताकि उनको बेटर अंदाजा हो पाए। तब तक के लिए गाइज मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।